हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब तो आज के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का न्यू वीडियो आज की वीडियो में हम आपका पूरा ब्रेन का पार्ट कंप्लीट कर देंगे हमने अलग अलग सेशंस की मदद से ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को समझने की कोशिश की ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन फोर ब्रेन में हमने देखा सबसे पहले आपका होता है ऑल्फैक्ट्री लोब्स तो वो हमने समझ लिया फिर आपका होता है सेरिब्रम सेरिब्रम भी हमने अच्छे से समझ लिया फिर आपका आता है मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन के कौन से कौन से पार्ट्स हमने देखे थे मिड ब्रेन में आपके होते हैं देखो फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं ऑलफैक्ट्री लोब सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन फिर आपका आता है मिड ब्रेन मिड ब्रेन में ज़्यादा करके आपका होता है कॉर्पोरा क्वॉड्री जमीना वाला रीजन ओके जो आपके मिडल मिडल रीजन में प्रेजेंट रहता है और वहाँ पर आपके ऑप्टिक चियाजमा प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और थर्ड आता है आपका हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन में होता है पॉन्स वेरियली सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा तो आज हम हिंड ब्रेन वाला पार्ट कवर कर लेंगे इस तरीके से आपका ब्रेन का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट दैट इज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थियोरी के साथ अब आज हम सबसे पहले देखेंगे पॉन्स वेरोली के बारे में किसके बारे में हम पढ़ेंगे पॉन्स वेरोली के बारे में तो देखो आपको डायग्राम दिखाया गया यहाँ पर ब्रेन का जो ऊपर वाला रीजन है वो आपका सेरीब्रम है फिर आता है आपका पॉन्स वेरोली जो सेरीब्रम के नीचे डायन के नीचे प्रेजेंट है ओके ये पॉन्स

बल्ज बल्ज यानी क्या होता है एक गांठ के जैसे जैसे एक ट्यूमर हो जाता है ना एक गांठ हो जाती है वैसा ही पॉन्स वेरोली का स्ट्रक्चर होता है याद रखो पॉन्स विरोली आपका मेन इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग सेंटर का काम करता है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी हमने ये देखा था एक मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और एक पॉन्स वेरोली उस चैप्टर में भी हमने देखा था कि इसका क्या काम है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पॉन्स वेरोली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है ब्रीदिंग सेंटर का काम करता है ये और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम के अंदर की तरफ मतलब ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है बाहर की तरफ प्रेजेंट नहीं है ये मिडल रीजन में मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है ये ओके सो इट अपीयर्स एज अ राउंडेड बल्ज ये कैसा दिखाई देता है राउंडेड स्ट्रक्चर है बॉल के जैसा ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन स्टेम के अंदर की तरफ प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम मतलब क्या होता है ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन मतलब मिड ब्रेन से आपका ब्रेन स्टेम स्टार्ट होता है ओके okay? मतलब ऐसे मिड ब्रेन से लेकर जो नर्व फाइबर स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम सो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन पॉन्स वेरोली एंड द मेड्यूला ऑबलोंगेटा एंड इट कंटिन्यूज अप टू द स्पाइनल कॉर्ड यानी कि समझो ये आपका सेरिब्रम है ये आपका क्या है ये आपका सेरिब्रम है ओके okay, और यहाँ पर ऐसे साइड में आपका सेरी बेलम है क्या है यहाँ पर साइड में सेरी बेलम है तो इसके नीचे यहाँ पर आपका डायंस एफलॉन प्रेजेंट है और उसके नीचे यहाँ पर आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है आपका मिड ब्रेन तो इस मिड ब्रेन के नीचे यहाँ पर आपका पॉन्स वेरोली प्रेजेंट होगा पॉन्स वेरोली के नीचे आपका प्रेजेंट रहता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा और यही मेड्यूला ओब्लोंगेटा आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है क्या बनाता है आगे जाके ये आगे जाके बनाता है स्पाइनल कॉर्ड तो इस पूरे पार्ट को यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं ब्रेन स्टेम ओके ऑल राइट सो आपका पॉन्स वेरोली मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम के अंदर की तरफ ओके okay? इट ऑल्सो कंटेन्स अ क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कंटेनिंग सेरिब्रम सेरिबेलर लोब्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड द स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या बोला गया हमको इधर पे कि आपका ये जो पॉन्स वेरोली है इस पॉन्स वेरोली में ढेर सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं इस पॉन्स वेरोली से बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं और ये नर्व फाइबर्स आपके पॉन्स वेरोली को सेरिब्रम से सेरिबेलम से देखो ये नर्व फाइबर्स यहाँ यहाँ भी जाते हैं दूसरे कलर से बताती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा ये जो नर्व फाइबर्स हैं हमारे पॉन्स वेरोली के अंदर जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं ये नर्व फाइबर्स क्या करते हैं ये बाहर निकलते हैं सैरी से कनेक्ट होते हैं मिड ब्रेन से कनेक्ट होते हैं और अंदर ही अंदर इनका कनेक्शन सरी ब्रम के साथ भी होता है मेड्यूला ऑबलोंगेटा से भी ये कनेक्टेड रहते हैं तो ये जो पॉन्स वेरोली है इसको आप कनेक्टिंग सेंटर बोल सकते हो इसको आप क्या बोल सकते हो कनेक्टिंग सेंटर ये ब्रेन के हर एक पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है ओके सो इट कंटेन्स अ क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर वर्स मतलब बहुत सारे क्रॉस नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो क्या करेंगे जो सेरिब्रम सेरिबेलार लोब्स यानी कि सेरिबेलम के पार्ट्स को और मेडुला ओब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे इट आल्सो कंटेन सेवरल न्यूक्लिया जैसे हमने देखा था सेरिब्रम में सेरिब्रम में न्यूक्लियस अकम्बंस प्रेजेंट था फिर हमने देखा था कि आपका जो डायनसेफ्लॉन होता है डायनसेफ्लॉन में भी जो आपका हाइपोथेलॉमस है हाइपोथेलामस में भी एक है प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक उसी तरीके से आपके मिड ब्रेन में भी न्यूक्लिया प्रेजेंट थे जिसको हमने बोला था लिम्बिक सिस्टम और ठीक उसी तरीके से आपके पॉन्स वेरोली में भी ढेर सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज कलेक्ट करने का काम करते हैं न्यूक्लियाय का काम होता है मैसेज कनेक्ट करके उसको ब्रेन के आ, 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 आगे के पार्ट्स में स्प्रेड करना तो ये था पॉन्स वेरोली का फंक्शन बहुत छोटा सा फंक्शन मतलब बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक पॉन्स वेरोली के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि इसके बारे में और क्या डिटेल पता चल सकती है तो जितनी डिटेल हमारे डॉक्टर्स हमारे साइंटिस्ट को पता है उतनी

के नीचे प्रेजेंट है ओके ऑल राइट सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अच्छे से सुनो और अच्छे से समझो हम क्या क्या बोल रहे हैं सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है ब्रेन ब्रेन का, कितना परसेंट जगह ऑक्युपाई करता है 85 फाइव परसेंट ऑफ द स्पेस इज ऑक्युपाइड और सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ओके सो सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू लेटरल हेमेस्फिर्स एंड अ सेंट्रल वर्मिस इसका मतलब क्या देखो जैसे सेरिब्रम का मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में से रुको ये मैं आपको बताती हूँ हमने क्या पढ़ा था कि आपके दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट रहते हैं और इनके बीच में कॉर्पस कोलोजम प्रेजेंट रहता है करेक्ट है हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना दो सेरिब्रम के हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट रहते हैं और उनके बीच में कॉर्पस कोलोजम रहता है ठीक उसी तरीके से आपका जो सेरिबेलम है सेरिबेलम भी ऐसे दो अलग अलग लोब्स प्रेजेंट है और इनके बीच में सेंट्रल वर्मिस प्रेजेंट है इनके बीच में क्या प्रेजेंट है सेंट्रल वर्मिस जैसे सेरी ब्रम के बीच में कॉर्पस कलोजम का काम है वैसे ही सरी बेलम के बीच में सेंट्रल वर्मिस का काम है दोनों लोब्स को पकड़ के रखना मतलब इमेजिन करो अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊं और अगर आप मेरे ब्रेन को ऐसे कट करो तो आपको यहाँ की तरफ यहाँ पर जो सरी बेलम है उसका आधा पार्ट इधर मिलेगा और आधा पार्ट इस साइड देखने को मिलेगा और बीच में आपको देखने को मिलेगा सेरिब्रम के बीच में आपको देखने को मिलेगा कॉर्पस कलोजम क्योंकि यहां पर कॉर्पस कलोजम है ये कॉर्पस दिखाई देगा और सेरिबेलम के बीच में यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल वर्मिस तो आपका जो सेरिबेलम होता है ये भी बायोलोब्ड होता है बायोलोब्ड यानी दो अलग अलग लोब्स मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास क्रिकेट बॉल है क्रिकेट बॉल को आप बीच में से काट दो तो आपको दो बॉल देखने को मिलेंगे तो यही इसको ही हम बोलते हैं सेरीबेलम सेरीबेलम एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जो दो अलग अलग हेमेस्फियर्स में प्रेजेंट है लेट्रल हेमेस्फियर यानी हाफ सेरीबेलम हाफ सेरीबेलम मिल के एक कंप्लीट सेरीबेलम बनाते हैं और इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वर्मिस क्या बोलते हैं उस कनेक्टिंग लिंक को हम सेंट्रल वर्मिस ओके सो इधर पर क्या बताया गया है द सेरीबेलम इज द ला सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू लेट्रल हेमेस्फियर्स एंड अ सेंट्रल वर्मिस सो so, दो अलग अलग हेमेस्फियर एक साथ अटैच है और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक वर्मिस प्रेजेंट है वर्मिस मतलब सेंट्रल कनेक्टिंग फाइबर जैसे कॉर्पस था वैसे ही वर्मिस है कॉर्पस सेरिब्रम को करता है और वर्मिस सेरिबेलम के हेमेस्फियर्स को ज्वाइन करता है दोनों का कनेक्टिंग फाइबर्स का नाम अलग अलग है अच्छे से याद रखना ओके सेरिब्रम में हमने क्या पढ़ा था सेरिब्रम में आपका ग्रे मैटर ज्यादा होता है और वाइट मैटर कम होता है सेरिब्रम में हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो बाहर का कॉर्टेक्स का रीजन है ये ग्रे होता है सेरिब्रम की मैं बात कर रही हूँ सेरिब्रम का कॉर्टेक्स कैसा होता है ग्रे कलर का होता है और सेरी का क्या बोला गया इधर पे देखो सेरिब्रम का कॉर्टेक्स कैसा होता है ग्रे कलर का होता है और सेरिबेलम का कॉर्टेक्स क्या बोला गया इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर मतलब इसमें ग्रे मैटर भी है इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें भी ग्रे मैटर है लेकिन बीच में ज्यादा क्योंकि देखो सेरिबेलम कहाँ पर प्रेजेंट है मेड्यूला वाले रीजन में आता है सेरिबेलम कहाँ पर आता है मेड्यूला वाले रीजन में आता है इसीलिए बोला गया है कि सेरिबेलम में ज्यादा व्हाइट मैटर है ओके और साइड साइड में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आपको ग्रे मैटर देखने को मिलेंगे मतलब साइड साइड में कॉर्टेक्स रीजन में ग्रे मैटर देखने को मिलेगा और बीच में पूरा वाइट मैटर प्रेजेंट होगा क्योंकि सेरिब्रम के नीचे पूरा वाइट मैटर है तो इसी पार्ट में आपका डायनसेफ्लॉन भी आता है इसी पार्ट में आपका मिड ब्रेन भी आता है और इसी पार्ट में आपका सेरिबेलम भी आता है तो सेरिबेलम का मेन पार्ट व्हाइट मैटर है सिर्फ बाहर बाहर बाउंड्री में आपको ग्रे मैटर देखने को मिलता है तो देखो इधर पे क्या बोला गया है कि आपका जो सेरिबेलम है मतलब हमारा जो सेरिबेलम है

ओके okay. यहाँ पर निस्सल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसीलिए ये पार्ट कैसा दिखाई देता है ग्रे कलर का दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है ये पार्ट ग्रे कलर का दिखाई देता है और यहाँ पर माइलिनेटेड लेयर्स प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट प्रेजेंट है है पर माइलिन जिसके वजह से यह पार्ट व्हाइट कलर का दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है ये पार्ट व्हाइट कलर का दिखाई देता है तो जहां पर एक्सोन्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे उस पार्ट को व्हाइट मैटर बोलेंगे और जहां पर सेल बॉडी ज्यादा प्रेजेंट होगी उस पार्ट को ग्रे मैटर बोलेंगे तो हमारा जो से सेरिबेलम है हमारा जो सेरिबेलम है वो ज्यादा कौन से पर्टिकुलर पार्ट part से कंपोज्ड है इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर विथ अ लेयर थिन लेयर ऑफ ग्रे मैटर द कॉर्टेक्स तो देखो ये डायग्राम देखो इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है एंटीरियर लोब ऑफ द सेरिबेलम एंड पोस्टीरियर लोब एंटीरियर लोब यानी ऊपर का हिस्सा एंटीरियर मतलब ऊपर पोस्टीरियर मतलब नीचे तो एंटीरियर लोब में देखो अलग कलर का लेबलिंग किया है तो वो जो कलरफुल लेबलिंग है मतलब वो ग्रे रीजन है वो कौन सा रीजन है ग्रे रीजन है और बीच में बीच में आपको जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है जहां पर ऐसे झाड़ जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं लीव्स जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो आपका वाइट मैटर है तो सेरिबेलम का जो बॉर्डर रीजन है वो ग्रे मैटर से बना है और जो बीच का रीजन है वो व्हाइट मैटर से बना है द व्हाइट मैटर इंटरमिक्सिस विद द ग्रे मैटर एंड शोज अ ट्री लाइक पैटर्न कॉल्ड आर्बर विटे तो क्या बताया गया इधर पे हमको कि जब आपका ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के साथ मिक्स होगा तो खिचड़ी बन जाएगी और वो खिचड़ी ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है देखो आपको आर्बर विटे जो लेबल किया गया है ऐसे लग रहा है ना कि कोई पत्ता है और पत्ते के वेन्स क्रॉस हो रहे हैं तो बस उसी तरीके से हमको क्या बोला गया है कि आपका सेरीबेलम का जो सेंटर है उसमें व्हाइट मैटर प्रेजेंट है लेकिन बीच बीच

और बीच में आपके सिर्फ थोड़े थोड़े बीच में थोड़े थोड़े ऐसे ग्रे मैटर है और बाकी का पार्ट पूरा वाइट कलर से है ये मैं रेड कलर से जो बना रही हूँ मतलब समझो वो व्हाइट मैटर है बीच में क्या है व्हाइट मैटर ज्यादा है तो ऐसा लगता है कि अंदर ट्री लाइक अरेंजमेंट हो रहा है अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ट्री के जैसा क्योंकि अंदर भी नर्व फाइबर्स एक दूसरे से क्रिस क्रॉस हो रही है अंदर की नर्व फाइबर्स क्या हो रही है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की नर्व फाइबर्स एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस हो रही है और इसीलिए ट्री का जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है ये भी नर्व फाइबर्स ही है लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस हो रही है ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और उस ट्री के पैटर्न को हम बोलते हैं आर्बर विटे क्या बोलते हैं को हम आर्बर विटे द सर्फेस ऑफ सेरिबेलम शोज वर्ड का मीनिंग मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कॉन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपका ये ब्रेन का नर्व फाइबर है मतलब ऐसे एक न्यूरॉन फिर दूसरा न्यूरॉन फिर तीसरा न्यूरॉन फिर चौथा न्यूरॉन ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलके ऐसा बंडल बना रहे हैं ओके इसको हम बोलते हैं कॉन्वल्यूशन्स मतलब इतने सा, इतना लंबा न्यूरॉन ने खुद को रोटेट कर करके करके कर, कर, एकदम ऐसे फोल्डिंग्स दिखा दिखा के दिखा दिखा के कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाया तो सेम जैसा सेरीब्रम बना था वैसा ही सेरीबेलम भी बनता है तो सेरीबेलम के सर्फेस में हमको क्या देखने को मिलते हैं जैसे सेरीब्रम के स्ट्रक्चर में हमको कॉन्वोल्यूशन्स देखने को मिल रहे थे ऐसे 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 कॉन्वोल्यूशंस देखने को मिल रहे थे वैसा ही स्ट्रक्चर हमको सेरीबेलम में भी देखने को मिलता है सो द सर्फेस ऑफ सेरीबेलम शोज कॉन्वोल्यूशंस और इन कॉन्वोल्यूशंस को हम बोलते हैं गायराय एंड सलकाय मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सेरीब्रम वाला वीडियो देखो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा गाय और सलकाय का मतलब क्या होता है ट्विस्ट एंड टर्नस ऑफ द नर्व फाइबर्स सो द सर्फेस ऑफ द सेरीबेलम शोज कॉन्वोल्यूशंस कॉन्वोल्यूशन्स मीन्स गायराय एंड सलकाय अ नंबर ऑफ ये किसका शॉर्ट फॉर्म है नंबर का आपको ऐसा नहीं लिखना है मैंने फटाफट लिखने के लिए ऐसा लिख दिया है सो अ नंबर ऑफ डीप एंड सेरिब्रल सॉरी सेरिबेलर हेमेस्फियर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ आपका जो सेरिबेलम है बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ आके ट्विस्ट 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 होके सेरिबेलम बनाते हैं और इस सेरिबेलम में बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है इस सेरिबेलम में क्या प्रेजेंट है बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है और ये सेरिबेल न्यूक्लिया कहाँ प्रेजेंट है लेट्रल और सेरिबेलर हेमस्फियर मतलब हमने क्या बोला जैसे आपका सेरिब्रम होता है वैसे ही आपका सेरिबेलम होता है तो सेरिबेलम के बीच बीच में बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है हमने देखा था सेरिब्रम के बीच में न्यूक्लियस आकम्बंस था वैसे सेरी बेलम के बीच में भी बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है देखो कितना न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं ओवर थर्टी मिलियन न्यूरो लाई इन द कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स रीजन में कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं हमारा जो सेरीबेल्लम्स सेरीबेलम स्ट्रक्चर है सेरीबेलम का जो कॉर्टेक्स रीजन है ध्यान से देखो डायग्राम सेरीबेलम का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है जो ग्रे पार्ट वाला रीजन है उसमें कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट है मतलब वो सबसे पतली लेयर है तो उसमें कितने न्यूरोन्स प्रेजेंट है थर्टी मिलियन न्यूरोन्स वन मिलियन मतलब टेन लैख मतलब थर्टी मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में और फिर मिडल रीजन में उन न्यूरॉन्स का एक्सॉन वाला पार्ट है इसीलिए मिडल रीजन व्हाइट कलर का दिखाई देता है सो ओवर थर्टी मिलियन न्यूरॉन्स लाए इन कॉर्टेक्स रीजन ओके अब आगे क्या बताया गया है ये न्यूक्लिया के बारे में बताया गया है थ्री पेयर ऑफ माइलीनेटेड नर्व बंडल्स देखो देखो डायग्राम डायग्राम में आपको बताया गया है कि कुछ नर्व बंडल्स प्रेजेंट है जैसे हमने देखा था कॉर्पस कलोजम कैसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ आके कॉर्पस कलोजम बनता है ठीक उसी तरीके से आपका सेंट्रल वर्मिस बनता है और ठीक उसी तरीके से आपका सेरिबेलर पेड्यूंकल बनता है ये सेरिबेलर पेड्यूंकल का का क्या काम है कॉर्पस कलोजम का काम क्या था दो हेमस्फियर को एक साथ ज्वाइन करना ये कॉर्पस कलोजम का काम था वैसे ही सेरीबेलर पेड्यूकल्स का क्या काम होता है हमारे पॉन्स ये हमारे सेरीबेलम को ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करना देखो किसी भी नर्व फाइबर का क्या काम होता है जैसे आप दो कपड़े से एक साथ जब सिलते हो तो धागे की मदद से सिलते हो तो धागा जो है वो आपका कनेक्टिंग फाइबर बनता है उसी तरीके से जो आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं या जो आपके पेड्यूंकल्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं ये पेड्यूंकल्स ब्रेन के एक पार्ट को ब्रेन के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं सो थ्री पेर्स तीन पेयर बताया गया है एक इस साइड और एक इस साइड मतलब सेरीबेलम के एक इस रीजन में और एक इस रीजन में पेर मतलब जोड़ी सो थ्री पेयर्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व बंडल्स कॉल्ड सेरिब्रल पेड्यूंकल्स देखो तीन पेड्यूकल के नाम आपको डायग्राम में बताए गए हैं सुपीरियर पेड्यूकल इन्फीरियर पेड्यूंकल एंड मिडल पेड्यूंकल आपको ये मास जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा एकदम मसल जैसा पर वो एक्चुअली नर्व फाइबर का बंडल है पूरा का पूरा धागे की गिट्टी कैसे है जब आप धागे की गिट्टी बनाते हो तो वो अलग दिखाई देती है और सिंगल धागा निकालते हो तो अलग दिखाई देता है तो ठीक उसी तरीके से जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं तो वो मसल जैसा दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं पेडींगकल लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको हम पेडींगकल पेडींगकल यानी कनेक्टिंग फाइबर ओके सो थ्री पेयर्स ऑफ सेरिबुलर पेडींगकल्स दैट इज सुपीरियर मिडल एंड इनफीरियर दे कनेक्ट द सेरिबेलम टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका एक ही काम है बार-बार मैं बोल रही हूं इनका एक ही काम है कनेक्ट करना सेरिबेलम को ब्रेन के अलग पार्ट से कनेक्ट करना है क्योंकि अलग है। okay? तो अब आता है आपका लास्ट पॉइंट ये फंक्शन आपको याद रखने हैं मैंने शॉर्ट में बताया है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया आप वहां से भी पढ़ सकते हो तो इसका क्या क्या फंक्शन होता है सेरिबेलम का इट मेंटेन्स मॉडरेशन ऑफ वॉलेंटरी एक्टिविटीज देखो सेरिबेलम का मेन काम होता है इनवॉलेंटरी फंक्शन कंट्रोल करना लेकिन कुछ कुछ वॉलेंटरी एक्टिविटीज को भी ये मॉडरेट करता है स्वीट मेंटेन्स मॉडरेशन ऑफ वॉलेंटरी एक्टिविटीज वॉलेंटरी एक्टिविटी मतलब जो आप अपनी इच्छा से करते हो जैसे चलना उठना बैठना ये सारी एक्टिविटीज़ वॉलेंटरी होती है और इन वॉलेंटरी एक्टिविटी मतलब क्या जो आपके कंट्रोल में नहीं है जैसे सांस लेना दिल का धड़कना डाइजेशन होना रेस्पिरेशन होना एक्सक्रीशन होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सो so, उसको हम बोलते हैं इन एक्टिविटी तो सेरीबेलम मेजर इन एक्टिविटी कंट्रोल करता है लेकिन वो कुछ वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है सो इट मेंटेन्स मॉड्रेशन ऑफ वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ एंड इन मूवमेंट्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी सेंटर रेगुलेटरी सेंटर मतलब कंट्रोल सेंटर दैट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पोस्टर न्यूरोमस्क्यूलर एक्टिविटीज लाइक रनिंग एक्सेट्रा तो हमारी बॉडी ठीक से खड़ी है या हम ऐसे खड़े हैं वैसे खड़े हैं बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करके रखना कितनी तेजी से भागना है कितने स्लो स्लो चलना है कितने फास्ट स्किपिंग करनी है तो so, और body posture की activities को voluntary और की को जो ये ये सारे के सारे के के कौन control करता है हमारा ओके okay? so, आपको ये दो organs हिंड ब्रेन के अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब बढ़ते हैं हिंड ब्रेन के लास्ट ऑर्गन की तरफ दैट इज मेड्यूलाटा क्योंकि मेड्यूलाटा जो है वो उसके आगे से आपका निकलता है स्पाइनल कॉर्ड तो मेड्यूला ऑब्लॉंग के बारे में पढ़ लेते हैं ये सब लोग देख लो ये नोट्स आपके काम आएंगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऑल राइट right. तो हमने क्या देखा हमने देखा हिंड ब्रेन के दो पार्ट्स देखो हिंड ब्रेन मतलब क्या होता है इट इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन पोस्टीरियर यानी कि नीचे का पार्ट सबसे पहले हमने पढ़ा था फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन के बारे में फिर हमने पढ़ा मिड ब्रेन यानी मिडल ब्रेन और फिर हमने पढ़ा हिंड ब्रेन के बारे में मतलब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हिंड ब्रेन के दो पार्ट्स हमने देखे कौन से दो पार्ट्स हमने देखे सबसे पहले हमने देखा पॉन्स वेरोली फिर हमने देखा सेरिबेलम के बारे में तो देखो वापिस से एक बार ये डायग्राम देख लो आपके ब्रेन स्टेम में कौन सा कौन सा पार्ट आता है ब्रेन स्टेम में आपका आता है मिडल ब्रेन आता है फिर उसके बाद आपका आता है पॉन्स वेरोली सेरिबेलम और मेड्यूलॉबलोंगेटा ये पूरा का पूरा आपका मिडल ब्रेन में आता है तो ये डायग्राम की मदद से आपको मिडल ब्रेन का ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मिडल ब्रेन में नहीं आता ब्रेन स्टेम में आता है तो ये ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर मैंने बताने के लिए दिया था और अब देखो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का स्ट्रक्चर कैसे बताया गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रेन के सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट है मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है छोटा मेंदू जिसको आप बोलते हो ये कनेक्टिंग लिंग है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक ओके सो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट है इसीलिए इसको हिंड ब्रेन का पार्ट बोला जाता है और अगर आपके मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में थोड़ी सी भी चोट लग गई तो इंसान की सडन डेथ भी हो सकती है बिकॉज इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू स्पाइनल कॉर्ड ओके तो चलिए देखते हैं मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा का इंट्रोडक्शन हमको क्या बताया गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज द पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन एट इट कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सबसे नीचे वाला पार्ट है इसीलिए उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट कोनिकल पार्ट यानी कि पॉइंटेड पार्ट है एकदम नीचे आपके ब्रेन का सबसे नीचे का स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और यही मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आगे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है इट हैज़ इनर ग्रे मैटर एंड आउटर वाइट मैटर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेन में ब्रेन में अंदर की तरफ वाइट मैटर होता है और बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है मतलब अगर हम ब्रेन की बात करें कॉर्टेक्स रीजन में तो यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं और अंदर की तरफ एग्जॉन का स्ट्रक्चर होता है इसीलिए बा का रीजन ग्रे दिखाई देता है और मेड्यूला का रीजन वाइट दिखाई देता है लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर पतला होने लग जाता है तो अंदर की तरफ न्यूरोन्स आ जाते हैं अंदर की तरफ क्या आ जाते हैं

ओके okay, ब्रेन में हमको क्या दिखाई देता है बाहर ग्रे मैटर है अंदर व्हाइट मैटर है और स्पाइनल कॉर्ड में हमको क्या दिखाई दे रहा है अंदर ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है और बाहर व्हाइट मैटर ग्रे मैटर मतलब न्यूरोन का सेल बॉडी व्हाइट मैटर मतलब न्यूरोन का एक्सॉन्स यानी माइलिनेटेड वाला पार्ट ओके okay, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि की मेड्यूलॉब्लॉन्गेटा में क्या होता है बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है और अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है इट कंट्रोल्स देखो यहाँ पर क्या बोला गया मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कौन से दो फंक्शन कंट्रोल्स करता है इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी एज वेल एज इन वॉलेंटरी फंक्शंस सो इट कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट इन वॉलेंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट आपके हार्ट बीट को कौन देखो वैसे तो हार्ट बीट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गन है हार्ट को हम क्या बोलते हैं दैट इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गन मतलब वो खुद को खुद कंट्रोल करता है इट इज़ मीसोडोमिन ओरिजिन ओके मतलब वो खुद अपने फंक्शंस को कंट्रोल करता है करेक्ट है कुछ गलत नहीं है हार्ट अपने आप को खुद कंट्रोल करता है लेकिन जो जीरो पॉइंट वन परसेंट सिग्नलिंग होती है कब हार्ट को ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है और कब उसको ब्लड ट्रांसपोर्टेशन रोकना है ये जो 0.1 सिग्नलिंग होती है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है तो ब्रेन के कौन से पार्ट से हार्ट को मैसेज मिलता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा से कहाँ से मैसेज मिलता है हार्ट को मेड्यूला ऑबलोंगेटा से सो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल्स इन वॉलेंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट वेसो मोटर एक्टिविटीज वेसो मोटर एक्टिविटी मतलब क्या होते हैं आपके वेसल्स ब्लड वेसल्स जो होते हैं आर्टरीज वेन्स वेसो वेसो मतलब वेसल्स ब्लड वेसल्स आर्टरीज हो गए वेन्स हो गए लिम्फ वेसल्स हो गए तो कौन सी वेसल कब कॉन्ट्रैक्ट होगी कौन सी वेसल कब डायलेट होगी डायलेशन मतलब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुडना मतलब आपका ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वेसल्स एकदम से एक्सपांड हो जाती है ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तो ब्लड ब्लड वेसल्स में भी फर्क पड़ता है तो ब्लड वेसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होंगी कब डायलेट होगी ये सारा डिसीजन मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा लेता है सो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल्स इन वॉलेंटरी फंक्शंस लाइक रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट वेसोमोटर एक्टिविटीज रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस मतलब क्या होता है डाइजेशन प्रोसेस तो ये सारे प्रोसेसिस को कौन कंट्रोल कर रहा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और इमेजिन करो अगर आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे ही चोट लग जाए तो आपका हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा आपके वेसोमेटो मोटर एक्टिविटीज़ पैरालाइज हो जाएंगे जिसके वजह से आगे कुछ प्रोसेस बनेगा ही नहीं क्योंकि आपका रेस्पिरेशन भी चोक हो जाएगा ओके ऑल राइट और हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करता है उसके अलावा वो कुछ नॉन वाइटल फंक्शंस भी दिखाता है नॉन वाइटल यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ये फंक्शंस सो नॉन वाइटल रिफ्लेक्सेस मतलब नॉन वाइटल फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा आर कफिंग इज कंट्रोल्ड बाई मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपको खांसी आती है सच में आने लगी सो so, जब खांसी आती है तो वो मेड्यूला ऑबलोंगेटा कंट्रोल करता है कि कब खांसना है धूल चली जाती है तो छींक आती है तो स्नीजिंग एक्टिविटी को भी मेड्यूला ऑबलोंगेटा कंट्रोल करता है देखो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये टेक्निकली स्पाइनल कॉर्ड के हैं लेकिन मेड्यूला ऑबलोंगेटा ही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है क्या बोला हमने यहाँ पर कि आपका जो मेड्यूला ऑबलोंगेटा है यही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड का स्टेम बन रहा है तो इसीलिए ये सारे फंक्शन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के हैं ऐसा बोला गया है सो इट कंट्रोल जब नींद आती है तो उबाशी लेते हो ना आप जमाई हाँ लेते हो तो उसको बोलते हैं योनिंग फिर वॉमिटिंग ये सारे के सारे प्रोसेस रिजर्जिटेशन ये सारे प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है अब ये जो पार्ट है ये आगे के जो तीन पॉइंट्स बोले गए हैं उसके लिए आप ये डायग्राम देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा द कैविटी ऑफ द मेड्यूला इज कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासील देखो मैं भी डायग्राम देख लेती हूँ क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का जो कैविटी है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर का जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं मेटासील या फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम मेटासील या फोर्थ वेंट्रिकल मतलब नीचे जहां पर आपको फोरामेन ऑफ लश का एंड फोरामेन ऑफ मेगंडी दिखाई दे रहा है उस पार्ट को हमने पढ़ा था ना प्रीवियस सेशन में कि आपके लेटरल हेमेस्फियर्स में मतलब जो सेरिब्रल हेमेस्फियर्स होते हैं वहां थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल से नीचे 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 आपका कॉर्पोरा एक्विडक्ट आता है या जिसको आप सिल्वियन एक्विडक्ट बोलते हो जो कनेक्टिंग लिंक है ओके जो कनेक्टिंग लिंक है जिसको हमने आइटर नाम दिया था तो थर्ड वेंट्रिकल से सी आपके आइटर के पास आएगा और आइटर के नीचे जो कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है वो कोरोइड प्लेक्सस जो सी बनाएगा वो सी एस फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा तो फोर्थ वेंट्रिकल कहां पर प्रेजेंट है मेड्यूलाटा के अंदर मेड्यूलाटा के अंदर जो खाली कैविटी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल सो द कैविटी ऑफ द मेड्यूलाटा इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासील इट्स रूफ हैज़ द पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस फॉर सेक्रीशन ऑफ सी एस एफ तो क्या बोला गया हमको इधर पे देखो रेड रेड रीजन जो है आपके डायग्राम में जो रेड रेड रीजन बनाया है उसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस मतलब वहां पर मेजर ब्लड आर्टरीज हैं पूरा कोरोइड मतलब क्या होता है

नो के न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ तो सीएसएफ कौन बनाता है कोरोइड प्लेक्सस और कोरोइड प्लेक्सस देखो कहाँ पर प्रेजेंट है इट्स रूफ हैज द पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस सेरिब्रम में एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस देखने को मिल रहा था जो पिया मैटर से कनेक्टेड था जो मिड ब्रेन से होते हुए निकल रहा था याद आया आपके जो सुपीरियर कॉलिकुला इन्फीरियर कॉलिकुलाय प्रेजेंट थे मिड ब्रेन में वहां से तो ऊपर की तरफ एक कोरोइड प्लेक्सेस है और नीचे की तरफ एक कोरोइड प्लेक्सेस है तो जो पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सेस है जो मेड्यूला ऑबलोंगेटा के पास है इट्स रूफ एज द कोरोइड प्लेक्सेस फॉर सेक्रीशन ऑफ सी एस एफ वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है सी एस एफ प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि सी एस एफ स्पाइनल कॉर्ड के पास भी जाना जरूरी है ब्रेन को जितना सी एस एफ चाहिए था उसने उतना ले लिया अब एक्स्ट्रा सी एस एफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास जाता है और समझो एक्स्ट्रा सी एस एफ अगर नहीं भी है तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा के पास अलग से कोरोइड प्लेक्सेस है पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सेस वो कोरोइड प्लेक्सेस स्पाइनल के लिए अलग से CSF बनाता है और की से वो सीएसएफ आगे चला जाता है द पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस ऑल्सो शो थ्री ओपनिंग्स देखो यहां पर ध्यान से आपको इस डायग्राम में देखो क्या दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ आपको थ्री ओपनिंग्स दिखाई दे रही है दो लेटरल साइड में और एक दूसरे साइड में तो यहाँ पे जो दो लेटरल साइड में करके दिखाया जाएगा बट अभी फोरामेन मतलब क्या होता है ऐसी ओपनिंग्स जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें देखी जाती है फोरामेन फोरामेन मतलब इमेच्योर फोरामेन मतलब क्या होता है इमेच्योर तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन एकदम फ्रेश होता है मतलब एकदम अनडेवलप्ड होता है तो उसमें ये सारी ओपनिंग्स क्लियरली दिखाई देती है तो इसीलिए हम उसका नाम फोरामैन रखते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि मेड्यूलाटा का जो पोस्टीरियर रीजन है मेड्यूलाटा का जो नीचे वाला रीजन है जहां से आगे स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली है वहां पर लेटरल साइड में दो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जिसको बोलेंगे फोरामैन ऑफ लश्का और राइट साइड में सी इट शोज थ्री ओपनिंग्स अ पेयर ऑफ लेटरल फोरामैन ऑफ लश्का मतलब दो ट्यूब्स लेटरल साइड में फोरामैन ऑफ लश का एंड अ मीडियम फोरामैन ऑफ मैगेंडी और बीच में एक होल जो दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ और ये दोनों के दोनों जो ओपनिंग्स है ये ओपनिंग्स सी एस एफ इकट्ठा करने में मदद करते हैं क्या करते हैं ये आजू बाजू से एक्स्ट्रा सी एस एफ जो लीक होता है उस सी एस एफ को इकट्ठा करके स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आई होप आपको मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा का थ्योरी उसका फंक्शन उसके सारे के सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा तो आज हमारा ब्रेन का पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन फोर ब्रेन में भी तीन पार्ट्स होते हैं कौन सा कौन सा ऑल्फैक्ट्री लोब्स होता है सेरिब्रम होता है और डायन होता है फिर आपका आता है मिड ब्रेन मिड ब्रेन में ऑप्टिक चियाजमा होता है और कॉर्पोरा कॉर्डरीजेमिना होता है फिर आता है आपका हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन के तीन पार्ट्स आज हमने पढ़े पॉन्स वेरोली से बेलम टा इस वीडियो को कम से कम दो से तीन बार देखना आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो हम किस दिन काम आएंगे तो अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैंशन में करो हम आपके लिए जरूर आपका डाउट सजेशन रखेंगे और जितना हो सके उतना इस चैनल को स्प्रेड करो ज्ञान लैब चैनल जितनी हो सके उतनी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो आपके एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं आपके लिए हमने फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है तो आई होप आपको उससे मदद मिल रही है अल्टीमेटली गोल ये है कि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए तो आपकी पढ़ाई जैसे हो सके वैसे हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो पढ़ने में मजा आया हो डायग्राम्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे फटाफट से क्लिक कर देना अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपका ऑलरेडी हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहो अपने जूनियर्स के साथ जो आपके भाई बहन आस पड़ोस के बच्चे अभी ग्यारहवीं में होंगे आपके कॉलेज के बच्चे तो उनके साथ ये चैनल जरूर शेयर करना क्योंकि उनके लिए आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाले हैं तो पढ़ते रहो हेल्दी रहो तबीयत का ध्यान रखो और रिविजन करते रहो चलिए मिलते हैं जल्दी थैंक यू सी यू सून स्टेट यून